हेलो दोस्तों, तो वेलकम है आपका एक और नई वीडियो में। और आज बात करने वाले हैं जेट प्लांट के बारे में। मतलब जो ये जेट प्लांट है मेरा, तो काफ़ी पुराना हो चुका है। इसको मैंने ना दो बार बोनसाई में मतलब कन्वर्ट करना चाहा, मगर मुझे वो शेप पसंद नहीं आ रही है बार बार। तो मैं अब आज फिर इसको इससे निकाल के मटके में से इसको निकालूँगा पूरा, और निकालने के बाद फिर इसको मैं एक शेप देने वाला हूँ कुछ अलग तरीके की। तो ये देखो मतलब अच्छा सा, इसको मैंने ना दो बार पहले ही ट्रिम कर रखा है, मतलब शेप दी थी, मगर मुझे पसंद ही नहीं आ रही थी बार बार। तो फिर मैंने अब इसको दोबारा से सोचा कि एक बार और करके देखता हूँ, कुछ शायद हो जाए नया। तो अभी मैं ये देखो, ये स्क्रू ड्राइवर है, इसकी हेल्प से इसको निकालने वाला हूँ। मतलब ये जो है ना, इस मटके में पूरे तरीके से रूट बाउंड हो चुका है, तो इसको निकालने में मुझे बहुत परेशानी हुई थी, मुश्किल आई थी। तो इसको मैं इसकी हेल्प से और एक चम्मच की हेल्प से इसको अभी हल्के हल्के मिट्टी को, जितनी भी ये दिख रही है ना, इस मिट्टी को इसमें निकालने वाला हूँ। तो अगर आपको ये इसके रूट दिखते होंगे तो ये देखो कितनी मतलब मोटी हो रही है, इसमें मतलब बहुत है, ये हार्ड पूरी ना रूट बोंड हो चुका है। तो ये मैंने देखो ये निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, मतलब इसमें से कुछ जड़ भी हैं जो वो टूट जा रही है अंदर ही, छोटी छोटी जो ऊपर को आ गई हैं, क्योंकि रूट बोंड हो चुका है। जब रूट बोंड होता है ना, तो इसकी रूट ऊपर भी आ जाती हैं और नीचे भी आ जाती हैं। ये देखो अगर आपको दिख रही है तो छोटी छोटी ऊपर आ गई हैं। तो पहले मैं ऐसे ही इसको हटा लेता हूँ, और रूट मतलब जो भी जितनी ये रूट दिख रही है ना नीचे की, मैं सोच रहा हूँ कि सारी निकल जाएँ जितनी हैं नीचे तक, ताकि और बढ़िया इसका ये देखो, ये देखो आप देख सकते हो। तो इसकी रूट देखो कितनी प्यारी लगने वाली है, ये देखो एकदम मैच्योर हो चुकी है। और इसमें ना अभी और इसे नीचे तक है, अभी और निकालना है इसको। इसको ही करने में मुझे कम से कम आधे से एक घंटे के बीच का समय लगा है, मतलब इतना ही करने में। और ये अभी और है, अभी इसे मैं खींचने की भी कोशिश कर रहा था, मगर खींच रहा हूँ तो जड़ टूट रही है फिर इसकी, इसलिए मैंने निकाली। ये देखो ये निकल चुका है, थोड़ा रह गया अभी भी, अभी मैं खींचूँगा तो ये टूट ही जाएगा। तो ये निकल ही चुका है फ़िलहाल, मतलब अब दिखा रहा हूँ मैं आपको। अब इसमें मतलब क्या करना है मुझे, इसको निकाल के मैं एक जो सेलो पॉट है ना मेरा, मैं उसमें लगाऊंगा इसे को। और उसमें मतलब एक और मैंने अपना लगा रखा था पहले का, उसको भी मतलब उस पर भी काम चल रहा है अभी, तो उसको इसमें लगाऊंगा, इसको उस सेलो पॉट में लगाने वाला हूँ। इस चम्मच से मैंने ये निकाली है मिट्टी, ताकि मतलब इसकी जड़ कटे हैं। तो ये देखो ये है पूरी। अब इसमें ना जो जो भी छोटे छोटे जड़ हैं, इसमें पतली पतली सारी जड़ें हैं, इन सबको मैं काटने वाला हूँ, मतलब निकाल दूँगा, थोड़ी थोड़ी काट दूँगा। और जो इसकी मैच्योर हो रखी हैं, बिल्कुल मोटी मोटी जड़ें हैं, रूट्स हैं, तो उनको रहन दूँगा। तो अभी तो ये देखो फ़िलहाल, तो ये इस साइड से मतलब देखो ये यहाँ से देखो, इसमें ना थोड़ी आपको अगर दिखते होंगे तो पतली पतली जड़ें हैं ना, ये इन सबको मैं मतलब हटा ही दूंगा। और इसका शेप ऐसे रखने वाला हूँ, मतलब घुमा के और ऊपर को करके थोड़ा ऐसे उठा के हल्का, इसको ऐसे रखने वाला हूँ मैं। अगर आपको दिखता हो तो ये देखो ऐसे रखने वाला हूँ, और इसकी थोड़ी ट्रिमिंग भी करने वाला हूँ। तो अभी ये मैंने निकाल लिया पूरा, तो अब इसको मैं इसकी जो रूट्स है ना पतली पतली दिखा रहा हूँ, ये काट दूंगा, इसे काट दूंगा। क्योंकि फिर इसमें क्या है, अभी इसको दूसरे पोर्ट में रिपोर्ट करूंगा, तो फिर ये है ना कि थोड़ा वो स्ट्रेस में चले जाता है, तो उसके चक्कर से मुझे ये निकालना पड़ेगा। तो इसकी शेप ऐसे भी बढ़िया लग रही है उस साइड, मगर ऐसे ही बढ़िया लग रही है मुझे तो लग रहा है, ऐसे ही मतलब उस साइड से भी बढ़िया है, इस साइड से बढ़िया है। मैं अभी आपको दिखाऊँगा पोर्ट में लगा के, फिर मैं इसको लगा के दिखाता हूँ। मतलब अभी ये ऐसे ऊपर उठा के लगाना है मुझे, मेरा पर्पज़ जो है ना पूरे तरीके से इसको ऊपर हल्का उठा के लगाना है। जो पाखड़ का पेड़ होता है ना, आपने देखा होगा तो फाइकस पाखड़ का, तो उसी की तरह सेम होने वाला है ये। अभी देखते हैं ना, अब इसको मैं पोर्ट करता हूँ पहले आगे। तो ये देखो दोस्तों, ये मैंने कर दिया है, इसको रिपोर्ट कर दिया सेलो पोर्ट में, और आपको दिखता होगा ये कितना प्यारा लग रहा है इस अभी। तो मतलब इसमें अभी ये जो इसके पत्ते हैं ना कम हैं, इसलिए अभी ऐसा दिख रहा है। जब इसमें ना मतलब एक कैनेपी बढ़ने लगेगी, तो बहुत ही बढ़िया लगने वाला है ये, एकदम पुराना पेड़ की तरह लगेगा ये। अभी तो बहुत, अभी ये ज़्यादा पुराना भी नहीं है, मतलब दो या तीन साल ही होंगे इसे। इसमें से मैंने तीन चार निकाल की कटिंग निकाल के बना रखी हैं, वो इससे मोटी मोटी हो चुकी हैं, मैच्योर हो चुकी हैं। मगर ये देखो यहाँ से ऊपर से तो और ही प्यारा लग रहा है। मगर इसको मैं ऐसे घुमा के, अभी पूरा घुमाया नहीं है, इधर से भी ठीक नहीं लग रहा है, मतलब इसकी शेप ना ये वाली सबसे प्यारी लगेगी मुझे, ये लग रही है, मतलब आपको भी लगेगी। ये देखो
इसको करने में ना 2 घंटे लग गए मुझे, कम से कम 2 घंटे से ज़्यादा लग गया। तो आप ना किसी भी, जब आपको बोनसाई बनाना है तो बोनसाई बनाने के लिए ना जो भी आपका जेट प्लांट है उसको किसी बड़े से उसमें लगा दें, पहले बड़े से गमले में लगा दें या मिट्टी में लगा दें डायरेक्ट, तो वो यह है ना बहुत तेज़ी से ग्रोथ करता है। जैसे ये है, मैंने इसे डायरेक्ट मिट्टी में लगा रखा था, तो ये उसकी कटिंग है। कोई कहेगा कटिंग है, ये देखो उससे भी ज़्यादा मैच्योर हो चुका है और इसमें कैनेपी भी बनना शुरू हो गई है। और ये भी है, ये उसकी कटिंग है, इसको भी मैंने बड़े से उसमें लगा रखा था। तो इसको ना आपको जब मैच्योर करना हो, बहुत तेज़ी से इसकी ग्रोथ बढ़ानी हो ना, तो आप इसे पहले किसी बड़े से गमले में लगा दें या मिट्टी में लगा दें, डायरेक्ट ज़मीन में लगा दें, तो बहुत तेज़ी से ये ग्रोथ पकड़ता है। और इसकी मैंने कुछ कटिंग भी रख ली हैं, जो इन्हें भी बोनसाई में बनाऊंगा मैं अभी, इन्हें लगा दूंगा कुछ दिनों में, मतलब कुछ दिनों बाद तो ये ठीक हो जाएंगी। तो बोनसाई बनाने के लिए थोड़ा आपको सब्र रखना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। तो अभी फ़िलहाल की वीडियो में इतना ही। कैसी लगी वीडियो कमेंट